भारत की अखंडता अते एकता ते हमला करन वाला जिहड़ा विचार तीन दहाके पहला दफना दिता गया सी उसी विचार दीआं जड़ां फिर तो हरियां हुंदियां नज़र आ रहियां ने। विदेशां विच बैठियां भारत विरोधी ताकतां एक बार फिर तो खालिस्तान मूवमेंट विच जान फूंकण की कोशिश कर रहियां ने। हालांकि ये मुहिम पिछले तीन साल तो सिर कढ़ रही है पर अजे तक इसनूं सिर्फ कुछ सिरफिरे वक्खवादियां दी खुराफात ही समझा जा रहा सी, पर पिछले कुछ दिनों तो यह मुहिम गंभीर रुख अख्तियार करती नज़र आ रही है। देश दीआं सुरक्षा एजेंसीज की चिंता लगातार वध रही है। इन्हां अलगाववादियों के हौसले किस कदर वधे हुए ने इसका अंदाज़ा सिर्फ इस गल तो लगा सकते हाँ कि हुण ये न सिर्फ पंजाब नूं खालिस्तान बनाने दीआं गिदड़ भपकियां दे रहे हैं बल्कि हरियाणा अते हिमाचल नूं भी खालिस्तान का हिस्सा दस रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला की एक घटना इसका सबूत है। इत्थे स्थित विधानसभा भवन के गेट से रात के हनेरे विच खालिस्तान का झंडा लगा दिता गया, नाल ही इस दी दीवार से खालिस्तान लिख दिता गया। पिछले कुछ दिनों विच वापरन वाली ये कोई पहली घटना नहीं है। दरअसल सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ नां दी प्रतिबंधित जथेबंदी का आगू गुरपतवंत सिंह पन्नू पिछले कई दिनों तो लगातार धमकियां दे रहा सी कि पंजाब हरियाणा ते हिमाचल विच वक् वक् थावां ते खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नूं बकायदा खत लिख के उसने झंडा फहराने की धमकी दी सी। हिमाचल पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करके दीवार ते लिखी इबारत नूं ते मिटा दिता है ते झंडा भी उतार लिया गया है। पर इस घटना तो बाद ये साफ हो गया है कि खालिस्तान दे नां नूं लैके भारत विरोधी ताकतां फिर तो सिर चक रही ने। हिमाचल दे मुख्यमंत्री ने इसनूं कायराना कार्रवाई दस्या है ते पुलिस ने भी तेजी नाल मुलजमां दी भाल शुरू कर दिती है। इस मामले विच SIT बनाण दा ऐलान भी हिमाचल पुलिस वालों किया गया है। खालिस्तान दा झंडा फहराण दी इह घटना अपने आप विच इकल्ली घटना नहीं है। विदेशां विच बैठे SFJ दे सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 29 अप्रैल का दिन खालिस्तान दिहाड़े के तौर पर मनाने का ऐलान अपने YouTube चैनल राही किया। पन्नू ने धमकी दी सी कि 29 अप्रैल को हरियाणा के सारे जिला हैडक्वाटर से खालिस्तान का झंडा फहरा दिता जाएगा। हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश को तथाकथित खालिस्तान का हिस्सा तो वह दसता ही रहता है। फिक्र की गल यह है कि पन्नू अपनी इस धमकी अमल में लियाण भी कामयाब हो रहा है। हरियाणा के सारे जिलों में तो वह ये कोजी हरकत नहीं कर सकया पर कुरुक्षेत्र उसनू कामयाबी मिल गई। पंजाब के मलेरकोटला भी उसके गुरगे इस काम को अंजाम देने कामयाब रहे। खालिस्तान मुहिम को मुड़ खड़ा करने पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ते गुरपतवंत सिंह पन्नू वर्गे अनासर कई सालों तो उपराले कर रहे हैं, पर चिंता की गल यह है कि हुण इन्हों अपने नापाक मनसूबे तोड़ चढ़ाने लोग भी मिलते नज़र आ रहे हैं। भावें पैसे का लालच होवे या विचारिक सांझ, पन्नू अते ISI जमीन ते अपने पैर फैलाउंदे नज़र आ रहे हैं। पटियाला विच खालिस्तान समर्थकां अते शिव सैनिकां दरमियान होए टाकरे का मामला इस गल नूं होर पुख्ता करता है। गुरपतवंत पन्नू गर्म ख्याली नौजवानों की एक फौज इकट्ठी करने का मनसूबा बना रहा है। इस विच उन्हूं हुण कुछ कामयाबी भी मिल रही है। दीप सिद्धू के भोग समय भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। वड्डी गिनती विच नौजवानों का इस समागम विच शिरकत करना अते खालिस्तान नूं लैके भड़काऊ नारेबाजी करना साफ इशारा कर रहा है कि मुहिम फिर तो एक वड्डा सिरदर्द बन जा रही है। खालिस्तान की इस मुहिम से ठल पाण लई सिर्फ पंजाब नूं ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क नूं एकजुट होना पवेगा। पंजाब के नाल नाल हरियाणा अते हिमाचल प्रदेश विच बदअमनी फैलाण दी वक्खवादियां दे इरादे साफ नज़र आ रहे हैं, पर सियासी लाहा लैण दी सियासतदाना दी फितरत कौमी सुरक्षा दे मामलों विच भी अपने रंग विखा रही है। हिमाचल दी घटना नूं लैके आप नेता अते दिल्ली दे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पंजाब एक गुंडे नूं बचाण विच लगी है ते देश दुश्मन अनासर विधानसभा विच खालिस्तान दे झंडे लगा रहे ने। हालांकि खालिस्तानी ताकतां नूं हल्लाशेरी देण विच आम आदमी पार्टी दा अपना किरदार भी शक दे दायरे विच है। आम आदमी पार्टी के मुखी अरविंद केजरीवाल ते खालिस्तान मुहिम नाल हमदर्दी रखने वाले नाल रिश्ते रखने का दोष कई बार लग चुका है। कुछ दिन पहला हिमाचल प्रदेश विच पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज हरप्रीत बेदी ने तो यह तक भी कह दिता सी कि खालिस्तान की मांग करना संविधान के मुताबिक है। जदों इन्हों के ट्वीट का विरोध होया तो बेदी ने इन्हों डिलीट कर दिता।
बेदी इस तो पहला भी अजिहे ट्वीट कर चुकिया है। इस तरह के पछोकड़ की जानकारी के बावजूद बेदी नूं आपने अहम अहुदा दिता, यह किस पासे इशारा कर रहा है इसनूं समझा जा सकता है।